शिकंजी तो शिकंजी है सर, उसका कोई धर्म नहीं है। अच्छा लगता है आपस में मिल के बैठ के बनवाते हैं लोगों के लिए, तो अच्छा लगता है। मैं शिकंजी बनाता हूँ हमेशा, अच्छा लगता है, लोग आते हैं। ये तो रमज़ान का महीना तो चैरिटी और बेनेवोलेंस के लिए ही माना जाता है। शिकंजी का ही सर ने दे रखा है। लोग शिकंजी पीते हैं तो मेरे को कहते हैं भाई अच्छा बनाया तुमने, बंदा सुबह से भूखा प्यासा है, उसका गला गीला हो जाता है, उसके बाद तो मैं सबको शिकंजी पिलाता हूँ। हमारे शॉप के अगल बगल सारे लोग काफ़ी रमज़ान का इंतज़ार करते हैं और कहते हैं भाई आप लोग का रमज़ान कब होगा। हम तो भाई दस्तखान लगाते हैं, अब उसमें रोज़े वाला भी आ जाए, बगैर रोज़ेदार भी आ जाए, मुसलमान भी आ जाए, गैर मुस्लिम भी आ जाए, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। और आते हैं लोग आस पड़ोस से भी आते हैं, हमारे सामने लाला जी हैं, उनके भी हम इफ्तार भेजते हैं खाना, फ्रूट चाट। शेयर सारी जगह होता है, पूरी मार्केट में होता है। हम तो कई सालों से इकट्ठे खा रहे हैं, कई जगह से इफ्तार आती है और इफ्तार करवाते भी हैं, साथ में मिल के खाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है और कौन कहाँ से आया है। सलाम वालेकुम बोलते हैं, मुसलमान राम राम बोलते हैं, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान है पूरा। बचपन से ही कर रहे हैं, कोई भी धर्म का हो, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है मोमडन्स के साथ अफ्तारी करना। मैं ईद पे भी जाता हूँ, मेरे फ्रेंड लोग आते हैं, हम लोग दिवाली, ऐसा कुछ नहीं है कि मोमडन्स हिंदू है, इस टाइप का हमारा सोच नहीं है, कभी घर से भी नहीं है और कभी ऐसा कहीं सोचा भी नहीं।